स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपके वर्कशीट नंबर 80 नहीं, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज फिर से हम लोग पादप में पोषण के बारे में पढ़ेंगे। तो लिखा है, कवक अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैव पदार्थ से प्राप्त करते हैं, वे मृत जीवी कहलाते हैं। यानी कि जो कवक होते हैं वो अपना पोषण कहाँ से प्राप्त करते हैं, जो मृत हैं यानी मर चुके हैं या अपघटित हो चुके हैं ऐसे पदार्थों से प्राप्त करते हैं, और जो मृत जीव को खाते हैं वो हम उन्हें क्या कहते हैं, मृतजीवी कहते हैं। अब यहाँ लिखा है, कुछ जीवों में प्रणालियों के समान मुख नहीं होता है, यानी कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसमें हमारे जैसा मुँह नहीं होता है। हम लोग के पास खाना खाने के लिए मुँह है ना, लेकिन उनके पास मुंह नहीं होता। ये हरे पत्तों के समान भी नहीं होते, यानी कि इनके पास हरे पत्ते भी नहीं होते कि जो ये पत्तों से खाना बना ले, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, यानी कि क्लोरोफिल नहीं होता है इनके अंदर। अतः ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है पत्तियाँ नहीं है, है ना, क्लोरोफिल नहीं है, तो जब कुछ भी नहीं है तो वो प्रकाश संश्लेषण कैसे करेंगे। आपको पता है ना कि पत्तियों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण से ये खाना बनाते हैं। अब जब इनके पास कुछ नहीं है तो ये खाना कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ लिखते हैं कि आइए जाने कि ये जीवन यापन हेतु इन्हें किस प्रकार के पोषण पदार्थों की आवश्यकता होती है और वे इन्हें कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ आपको दिया गया है, ये जीव किसी मृत एवं अपघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए छत्रक या ईस्ट, यानी छत्रक किसे कहा जाता है, जो आपके मशरूम होते हैं, है ना, और ईस्ट किसे कहा जाता है, जो आपकी फंगस होती है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ आपको क्या बताया, वर्षा ऋतु के दौरान कवक की वृद्धि के कारण चमड़े के जूते, कपड़े और अचार ख़राब हो जाते हैं। आपने देखा होगा, क्योंकि ये उन स्थानों पर में उगते हैं जो नम व उष्म हो। ठीक है, तब यानी ये चीज़ें वो कहाँ उगती है, उन जगहों पे उगती है जो यानी नम हो, यानी गीली हो, है ना। तो वर्षा के मौसम में ऐसा आप अक्सर देखते हैं। तो देखिए, अक्सर आपने देखा होगा 2-4 दिन तक ब्रेड को आप रख दें तो वो इसी तरह से हो जाती है ना। शूज़ आप पॉलिश ना करें तो देखिए वो भी ऐसे ख़राब होने लगते हैं। और जो आपके ऐसी गंदी चीज़ होती है जहाँ पे नमी आ जाए चमड़ा वगैरह की, तो उस पर क्या होगा, वहाँ पे मशरूम भी उग जाते हैं, है ना। तो अभी यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखिए ये आपके क्वेश्चन आंसर्स दिए गए, चलिए ले पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन यह लिखा है, उपयोगी कवक के नाम लिखिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसमें दो के नाम लिख लेंगे, यहाँ पे पेनिसिलियम लिख लेंगे और दूसरा आपका कैल्शियम है। ये दो आपके ऐसे हैं जो काम आते हैं दवाई वगैरह बनाने के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, कुछ ऐसे तरीके लिखिए जिनसे ये पता चलता है कि कवक हमारे लिए हानिकारक हैं। यहाँ लिखेंगे कि कवक जो है वो भोजन को ख़राब कर देते हैं, लकड़ी को ख़राब कर देते हैं, साथ में जो आपके फसल है, पशु है, मनुष्य है, इनमें रोग भी पैदा करते हैं, इसीलिए ये हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं। कर लेंगे, चलिए तो आज की वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतने ही। अगर आपका वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।